सर एक और काउंटर आपने अभी 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, प्राज इंडस्ट्रीज का आपने कॉल दिया था, आज वो टारगेट 780 का हिट कर चुका है, तो अब क्या व्यू बन रहा है, क्या इसे और आगे नए टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे आप सर? जी सर, तो देखिए, अगर आप प्राज इंडस्ट्री को देखें तो बिल्कुल सर, आप ये समझिए 780 का भाव है। अभी इसके अंदर स्टीम बाकी है, कम से कम 860, 860 रुपए तक स्टॉक बिल्कुल जा सकता है सर, बिल्कुल इसको होल्ड कीजिएगा। क्योंकि आप एक बार समझिए क्यों प्राज इंडस्ट्री जैसे प्लेयर्स, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से अंकित जी, क्यों ये लॉन्ग टर्म के लिए बेट है। आप देखिए, कई शेयर्स मैंने डिस्कस किए थे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, जहां पर आप देखें सुजलॉन है, जहां पर आइनॉक्स विंड है, जहां पर स्टर्लिंग एंड विल्सन है। लाल किले की प्राची से प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं कि मैं 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करूंगा 2030 तक। तो आप देखिए सर, कौन से बेनिफिशियरी रहेंगे। उसी तरह से हमारा बड़ा इंपोर्ट बिल है पेट्रोलियम का, जिससे हमारे ट्रेड डेफिसिट को नुकसान हो, ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता है। तो अगर ब्लेंडिंग हो रही है इथेनॉल की सर पेट्रोल एंड डीजल में, तो जो कंपनीज, आप देखिए बलरामपुर चीनी किस तरह से चल रहा है, मैंने 360 रुपए के भाव से रिकमेंड किया था उसको। इनफैक्ट मुझे भी नहीं जी पता था कि 480 के भी ऊपर निकल जाएगा, मेरा वही टारगेट था 460, 480। तो प्राज इंडस्ट्री में भी आप देखें सर, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मूव बना हुआ है। और अभी भी आप देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है सर। कंसोलिडेटेड इनकम ऑपरेशन से करीब 6.99 बिलियन के आसपास रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। एक अच्छा इन्होंने एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी 23% अकाउंट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 841 मिलियन का रहा है। ऑर्डर इंटेक बेहतरीन है सर, 8.88 बिलियन का। तो देखिए कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये मुझे लगता है कम से कम 860 उसके ऊपर पोजिशनली सर होल्ड कर जाए साल डेढ़ साल, आपको 1000 रुपए के भाव भी यहाँ देखने को मिलेंगे। मैं अंकित जी, सत्यम जी बोल रहा हूँ, स्टॉक को हम लोग 100 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं सर। तो देखिए 78 जी 80 100, मुझे याद पड़ता है 80 रुपए से 90 रुपए 100 रुपए इसका भाव हुआ करता था जब इथेनॉल ब्लेंडिंग का डिस्कशन शुरू हुआ था सर। और देखिए आज ये स्टॉक 780 रुपए पे ट्रेड कर रहा है सर, किस तरह का मल्टी बैगर स्टॉक ये बन गया है।